नमस्ते दोस्तों, बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड की। दोस्तों ये कंपनी जो है जो मशीनरी बनाती है और शिपयार्ड से रिलेटेड वर्क करती है, जो यहाँ पर शिपिंग टूल्स एंड शिपिंग बनाती है, बड़ी बड़ी शिप भी बनाती है और जहाज़ भी बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो हाई था तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 2024 के अंदर जुलाई के अंदर 2800 रुपये के आसपास कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा था और वहाँ से कंटिन्यूसली 1000 रुपीज़ डाउन में अभी आ गया है, 900 से 1000 रुपीज़ डाउन में आ गया है। तो ये जो इन्वेस्टर यहाँ से कुछ फंसे हुए हैं वो दोस्तों यहाँ पर बहुत डरे हुए हैं, तो अभी उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो लास्ट वन ईयर के अंदर तो 300% का स्टॉक ने रिटर्न दिया है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो हो चुकी है। अभी दोस्तों आज के पूरे मार्केट के अंदर स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है 2% का रिटर्न दिया है और दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्रेकआउट लेता हुआ 2 दिन से नज़र आ रहा है स्टॉक, यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर स्टॉक ब्रेकआउट लेता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा लेवल वापस देखने को मिल सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे सारी डिटेल्स और सारे टेक्निकल एनालिसिस तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेगा और समझेगा। कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर अच्छा खासा है, 48,000 करोड़ का। पी रेशियो 56 के आसपास है। यहाँ पर बुक वैल्यू जो है 190 के आसपास है। फेस वैल्यू यहाँ पर 5 है। इंडस्ट्री भी 49 है। पीबी रेशियो यहाँ पर 9 के आसपास है। आरओई 15 के आसपास है। ईपीएस यहाँ पर 32 है। फंडामेंटल पॉजिटिव और अच्छे हैं। बात करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट में कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है, बट 2023 के अंदर कंपनी को 305 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रोमोटर है वो 72% है, रिटेलर 19% है, FII 4% है, म्यूचुअल फंड 2% है, DII 0.30% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छी है, यहाँ पर रिटेलर होल्डिंग 19% है बट प्रोमोटर होल्डिंग भी मजबूत है यहाँ पर। तो दोस्तों यह स्टॉक में आपने अगर स्टॉक पहले से लिया हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों कंपनी का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर आप देख सकते हो 700% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टरों को। तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग तो थोड़ी बहुत बनती है, लास्ट 5 ईयर के अंदर दोस्तों 1000% का रिटर्न दिया है कंपनी ने और दोस्तों लास्ट 1 मंथ के अंदर यहाँ पर कंटिन्यूसली स्टॉक डाउन में गया है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर थोड़े बहुत घबरा गया है। तो अभी क्या करना है मैं आपको ध्यान से बताऊंगा। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उनको अभी होल्ड करना चाहिए, या अगर आप एवरेज करना चाहो तो एवरेज भी कर सकते हो, बट अपने एक्सपर्ट या अपने ब्रोकर से राय जरूर ले। कंपनी स्ट्रांग है इसलिए घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है, आज नहीं तो कल इसके बिजनेसेस बहुत बड़े बड़े हैं। और दोस्तों अगर मशीनरी बनाती है शिपयार्ड की तो शिपयार्ड चलने ही वाली है, बंद नहीं होने वाली, तो वापस स्टॉक में तेजी आती है। क्वार्टरली टू क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है, बोनस या डिविडेंड अनाउंसमेंट होता है, तो स्टॉक में वापस आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो शेयर मार्केट के ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए। आपको कोई भी इशू हो बात करिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और शेयर मार्केट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।